तो हमारे आंगन की हालत देखे। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक हो या अच्छे से हो गए। तो गाइस, आज हमने एक चैलेंज लिया है, हमें 10 दिन तक 10 व्लॉग्स अपलोड करने हैं। देखते हैं हम कर पाएंगे चैलेंज कि नहीं। तो बहुत जो भी दिन भर का प्रोसेस होता है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और जो भी इंटरेस्टिंग वीडियोस होंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो यार भाई फिलहाल ऊपर रेडी हो रहे हैं, तो हम देखेंगे कहाँ जाएगी आज। तब तक ले वीडियो में बने रहना, लव यू ऑल। तो गाइस अभी हम निकलने के लिए तैयार हैं, तो यावर भाई को बोलेंगे कहाँ जाना है आज। तो आज अरफात ने खुद व्लॉग स्टार्ट किया है, और मैं एक क्लिप चेक कर रहा था, कसम से शॉक हो गया। मैं एक साल से व्लॉग कर रहा हूँ, अभी भी मुझे नहीं आता है। तो इसने इतनी अच्छे से बोला है, काफ़ी तेज़ हो रहे हो। और इसने एक बात बताई कि हम 10 दिन का चैलेंज लेने वाले हैं। हाँ, आज से हम एक चैलेंज लेंगे, 10 दिन तक 10 व्लॉग्स। बस अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि सेहत ठीक रहना चाहिए, बाकी जो भी 10 दिन का रहेगा इंटरेस्टिंग भी कुछ होगा इंशाल्लाह, वो भी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल सबसे पहले आज कॉलेज जाना है, मेरा एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करना है वहाँ पे, और मुझे एक सब्जेक्ट में इंटरनल पास नहीं है, वो भी देखना है। तो रेडी हो? हाँ। तो चलिए पहले निकलते कॉलेज, और बाकी भी देखते क्या रहेगा दिन भर का प्रोसेस। तो फाइनली कॉलेज में हमने एंटर कर लिया, आज वाले और भी साथ है। कैसा लग रहा है कॉलेज में? हार्ड बीटिंग हो रही है। क्यों? आज इसे पता नहीं क्यों, ये देखिए इसको आज इसे हार्ड बीटिंग हो रही है। तो चलिए अंदर जाके कंफर्म करते हैं। तो गाइस कॉलेज का काम हो गया कंप्लीट, तो यावर भाई ने बहुत कोशिश की इंटरनल पास हो जाए, इंटरनल पास हो जाए। बदकिस्मती से वो नहीं हो पाया। इसको कहते हैं बदकिस्मती का नाम, इंदिरा गांधी। करो करो टेस्ट नहीं। तो एक्चुअली जो मेरा फोर्थ सेम है उसमें मेरा एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट है, तो उसमें मेरा इंटरनल एब्सेंट रखा है, वरना एक्सटर्नल पास था। तो अब मैं गया था, मैंने बोला कुछ करो, लेकिन इन्होंने बोला आज लेट हो गया है, 10 दिन पहले आना था, क्योंकि जो लिंक थी वो अब बंद हो गई है। तो मैंने अपनी जगह बोला अब मेहरबानी करके कुछ करो, इन्होंने बोला नहीं, अब आपको नए से इंटरनल देना है और नए से एक्सटर्नल भी। खत्म, टाटा बाय बाय, गया। अभी हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क लगा दी, इसको थोड़ा बहुत घुमाएंगे, इसकी हालत ख़राब हो गई, ये बहुत ज़्यादा थक गया। तो चलिए भाई। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, श्रीनगर आओ और इसको सिटी वॉक ना ले जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब भी आता हूं इसको यहां पर लेना पड़ता है। चल, तो सिटी वॉक आए अभी हम, इसको थोड़ा गेम्स खिलाएंगे, उसके बाद वापस निकलेंगे। क्रिकेट अभी आया नहीं, बाबर आजम स्टार्ट हो गए। ये देखिए आते ही बैटिंग करनी है इसको। बाबर आजम, ओ शॉट है। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out. No matter how hard I try, I need you and your hardness. Oh, क्या पिटाई चल रही है? तो अभी बाल यारो enjoy कर रहा है और मैं इसकी batting enjoy कर रहा हूँ। ये देखिए, आई लगे। Cross करते हुए again, और ये सीधे कैमरा वैमरा तोड़ दिए। Nice play, nice play. क्या कर रहे हो? पिटाई करके मैं थक गया, आप कुछ खाना? अच्छा, बेटिंग करके थक गए, आप कुछ खाना है? हाँ। तो चलो, तो अभी कुछ मैंने धोया धोया हाँ, तो अभी हमने पिज्जा ऑर्डर किया है और कोल्ड ड्रिंक, वो खाएंगे उसके बाद। बहुत ही टेस्ट था, तो पांडा की भी धुलाई हो गई। गाड़ी में गर्मी बहुत ज्यादा है, मारे मैं जल गया। जल गए? हाँ। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं आगे क्या रहता है सीन। ब्लॉग में बाहर नहीं रहो, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करो। तो गाइस ईद के दिन बारिश थी, आज इतना
ना इंसाफी, बहुत ना इंसाफी, लेकिन आग बरस रही है सीरियसली। तो मैं सैलून गया था, एक्चुअली कुछ मंथ से मैं अपने बालों की ग्रोथ बढ़ा रहा हूँ, लेकिन घर वालों ने डांटा और भी कुछ फ्रेंड्स से, उन्होंने बोला आपने ज़्यादा कुछ किए, अजीब लग रहे हैं, और इसने भी बोला। तो अब मैंने थोड़े से कट किए, ज़्यादा नहीं, मैं यहाँ से छोटी नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको पता है लगभग 4-5 मंथ पहले मैं यहाँ से छोटे करता था, लेकिन अब नहीं करता हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा अजीब लगता था और आप लोग भी कमेंट करते थे यार भाई ऐसे बाल ठीक नहीं लगते आप पे। तो इसने भी बोला यार आपको लंबे बाल जचते नहीं है। अब आप लोग बोलना कि ठीक हुए कटिंग की नहीं, फिलहाल घर चलते, हालत देखिए ख़राब, तैयार मरने। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर वापस पहुंच गए, भाई साहब की हालत देखिए, खत्म। तो ये बोल रहा है ये को तावन नबर नरुन, सीरियसली गर्मी बहुत ज्यादा है। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ब्लॉग में क्या इंक्लूड करेंगे। भाई चलो चलो जल्दी से अंदर जाते हैं। तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अब हमने प्लान किया कि अब हम साइकिल राइड करेंगे जहलिम साइड से, क्योंकि जब से मैंने साइकिल लाई है राइड एक बार भी नहीं की है, और मैंने गोप्रो भी फिक्स कर दिया, इसके शॉर्ट्स भी आप देखोगे दुबई। हाँ। ऊपर से मौसम भी ठीक हो गया अभी, मतलब क्या हवा आ रही है सीरियसली। तो चलिए इस राइड को स्टार्ट करते हैं, आप रेडी हो? हाँ। तो चलिए आप जो आप शॉर्ट्स देखोगे वो इसके देखोगे। तो छोटी सी राइड हमने यहाँ पे कम्प्लीट कर ली, हमने सोचा था कि मंजीनारा तक जाएंगे, लेकिन आप देखिए आसमान पूरा ब्लैक हो गया, कभी भी बारिश पड़ सकती है, इसलिए हमने कम ही राइड की। हम गए मुजगुड़ से आगे, लगभग रिटर्न में हमने 4 किलोमीटर की है ना, 4 किलोमीटर की राइड हमने कर ली। तो आज इतना ही राइड करते हैं, नेक्स्ट टाइम पूरा कर देंगे। तो गाइस जैसे कि हमने बोला रेगुलरली 10 हमने चैलेंज किया था, 10 दिन में 10 व्लॉग आएंगे, तो बहुत ज़्यादा प्यार देना। हाँ जी हाँ बिल्कुल, हम चैलेंज करने वाले हैं, बस अल्लाह ताला से दुआ कर दे कि सेहत ठीक रहनी चाहिए, बाकी हम 10 व्लॉग्स कंटिन्यू अपलोड करेंगे, उसके बाद देखेंगे रेस्पॉन्स। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्यार बहुत ज़्यादा देगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बोला था अगर हम पंजीनारा जाते, ये देखिए बारिश कितनी तेज स्टार्ट हो गई भाई, देखा हमारी किस्मत, हमारा डिसीजन सही था, चलो जल्दी से घर निकलते हैं भाई साहब, मतलब बहुत तेज बारिश आने वाली है, चलो भाई। तो भाई साहब आज बाल बाल बच गए, होए होए बारिश देखे भाई साहब, अगर हम पंजीनारा जाते तो टाटा बाय बाय गुड बाय। ओह 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 ओह, अगर हम वापस नहीं आते घर तो सोचो हमारा हाल क्या होता। तो हमारे आंगन की हालत देखे, 10 मिनट पहले क्या था और अब क्या हो गया, ये देखे पानी देखे कितना जमा हो गया भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी नदी में हूँ। तो आप लोगों ने देख लिया कि बारिश कितनी ज्यादा तेज हो गई। ओ तू तो बोल रहा था राइड पे जाएंगे, राइड पे बोल रहा था ना, साइकिल राइड पे जाएंगे, ये देखिए हमारी आंगन की हालत भाई साहब, मैंने आज तक इतनी ज्यादा बारिश कभी नहीं देखी है, ये देखिए। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना पानी बाहर जा रहा है, फिर भी पानी का फ्लो कम नहीं हो रहा है, मुझे लगा था यहाँ पर बंद हुआ है, लेकिन आप देखिए ऐसा लग रहा है कोई नदी बन गई यहाँ से भाई, देखिए कितनी तेजी से पानी निकल रहा है, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ से कितना जमा है। तो दोस्तों आपके एरिया में कितनी बारिश पड़ गई अपडेट जरूर करना, मतलब कहाँ पे कितनी बारिश गिर गई, ये देखिए फिलहाल यहाँ से हालत, और स्टिल अभी भी पड़ रही है। तो फिलहाल मैं अंदर जाता हूँ वरना बीमार पड़ सकते हैं। देखिए पानी कितना अंदर आ रहा है हमारे घर में, मैं भी तो सोचूं इतना पानी कहाँ से आ गया, ये देखिए ये नेबर्स का यहाँ से, तो इनका पानी हमारे घर में आ रहा है जो कि बहुत गलत बात है। तो गाइस अभी हम अपने रूम में आ गए और आज व्लॉग को लेट ही एंड कर रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा अच्छे से शाम को एंड करेंगे। खैर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना, और हमने चैलेंज लिया 10 दिन तक 10 व्लॉग, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और मैंने कल के व्लॉग में बोला था कि
तीन के नाम हम लास्ट में बोलेंगे जिनके कमेंट्स हमको यूनिक लगे। उसमें से सबसे पहले नाम आप बोलोगे? नहीं आप। तो मैंने चुना है सिंगर नातिक। तो इसकी कमेंट स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे, आप पढ़ सकते हो कि इन्होंने क्या लिखा था। थैंक यू सो मच भाई। और मैंने सेलेक्ट किया है रैपर हाशिम ऑफिशियल। रैपर हाशिम ऑफिशियल इसने सिलेक्ट किया, उसने भी बहुत अच्छी कमेंट की है, वो भी आप स्क्रीन पर देख लेना। और तीसरा नाम है? और तीसरा मैंने सिलेक्ट किया है शेख बिल्किस। शेख बिल्किस। तो ये तीन नाम थे जो आज हमने चूज किए। इंशाल्लाह अब इस व्लॉग को आपको कमेंट करने वो हम नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। क्यों भाई? हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अस्सलाम वालेकुम।